हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पराश्री फूड जोन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गरम मसाले की रेसिपी, जिसमें मैंने लिए है 10 से 15 नंग तेजपत्ता, 5 से 10 नंग लिए है मैंने जावंत्री, 2-3 पीस लिए है मैंने बड़ी वाली इलायची, 15 से 20 पीस लिए मैंने दाल फूल, 15-20 पीस लिए है मैंने इलायची, 1 जायफल और 2 सिनेमन स्टिक लिए है मैंने। इसमें ऐड करूँगी मैं 1 बाउल जीरा, आप चाहे तो शाही जीरा भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। 50 ग्राम लिए है मैंने लौंग, 50 ग्राम लिए मैंने मरी और 10 ग्राम लिए है मैंने दगड़ फूल। उसमें ऐड करूँगी मैं 2 मिर्ची, ये तीखी वाली नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ मैंने कलर के लिए ऐड की है। इसको डालने से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार डाल के देखिए कलर चेंज लगेगा आपको। उसमें मैं ऐड करूँगी अखा धनिया, ये भी ऑप्शनल है, हम जब भी बनाते हैं सब्जी तो उसमें डालते हैं धनिया पाउडर, तो वो तो उसमें होता ही है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, या ऐड करना है तो थोड़ा सा ले सकते हैं। अब इन सबको मैं रोस्ट करूँगी, तो सबसे पहले मैं धनिया को रोस्ट कर दूँगी। तो फ्लेम को हमें स्लो रखना है और 2-3 मिनट तक उसको रोस्ट करना है। तो इसको रोस्ट करने के बाद इसको मैं निकाल दूंगी, उसके बाद लूंगी मैं दूसरी आइटम्स। इसमें मैंने तेज पत्ता, जावंत्री, दाल फूल और दगड़ फूल है, इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। मेरे पास एक्चुअली पैन छोटी है तो ये सब आ नहीं रहे थे, आपके पास बड़ी हो तो आप एक साथ सबको कर सकते हैं, और अगर समर सीजन चल रही है, धूप निकल रही है, तो आप धूप में 1-2 दिन इसको रखें तो रोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद मैं ये कर दूंगी, लौंग है, मरी है, इलायची और जायफल, इन सबको अच्छे से रोस्ट कर दूंगी। मेक श्योर के फ्लेम स्लो रहे ताकि ये जले ना, वरना ये इसमें जली हुई स्मेल आएगी, क्योंकि हमें इसे अभी क्रश भी करना है। तो ये रोस्ट होने के बाद अब उसको भी मैं निकाल लूंगी। तो उसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ, ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने ले लिया है जीरा, ये हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वही वाला जीरा है, इसको भी मैंने कर दिया है, इसको भी हम ठंडा करने रख देते हैं। अब तेज पत्ता और वो मिर्च, उसको मैं रोस्ट कर लूँगी। अब ये सारे रोस्ट हो गए हैं और इसको ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है, 10 मिनट के बाद हम इसको क्रश कर लेंगे। गरम गरम क्रश नहीं करना है, ये ठंडा एकदम हो जाए उसके बाद ही करना है। तो ये मैंने क्रश कर लिया और देखो इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हो। इतनी आइटम मिला के 250 ग्राम तक गरम मसाला हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।